हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम आपके पर्सन की सीक्रेट बातें यहाँ पे देखने वाले हैं कि सीक्रेटली वो आपके लिए क्या फील करते हैं, अच्छा या बुरा। जो भी होगा व्यूवर्स, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, हर कोई इसे देख सकता है। अपने पर्सन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेल के लिए मेल पर्सन हो, फीमेल के लिए फीमेल हो, मे बी फ्रेंड रिलेशन हो या फिर किसी भी तरह का रिलेशन हो, आप उसे प्यार करते हो, चाहे वो आपसे किसी तरह से रिश्ते में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। उसके लिए रीडिंग जनरल है व्यूवर्स। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। तो चलिए व्यूवर्स, रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के मन में सीक्रेटली आपके लिए क्या भावनाएँ हैं। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के बारे में बताइए, वो इनके लिए क्या फीलिंग रखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए, क्या भावनाएं हैं उनकी इनको लेके, अच्छी या बुरी जो भी हो हमें बताइए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, बॉटम से है हमारे पास नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, कुछ और कार्ड्स भी निकालूंगी मैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। ओके, वी हैव पास्ट एनर्जी, मिजर, इनर वॉइस, द गाइडेंस, किंग ऑफ पेंटिकल, इंटेंसिटी। ओके व्यूवर्स, तो आज की आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि फ़िलहाल अगर देखा जाए व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपसे जुड़े तो हैं, आपसे उनकी आशाएं बहुत हैं, आपसे उनका अफेक्शन अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो मुझे ज़्यादातर जो एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये ही दिखाती है कि आपके पर्सन के साथ में आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह सकते हैं डीप कनेक्शन है, जिसमें कोई किसी भी तरह से कोई पर्दा नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए व्यूअर्स कि फ़िलहाल आपके पर्सन का जो बिहेवियर है थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ, वो आपसे प्यार भी करते हैं लेकिन आपसे लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, है ना, लड़ाइयाँ भी होती हैं, हर छोटी छोटी बात पे वो आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों को वो बड़ा बड़ा इशू बनाने लगे हैं, है ना। वो चीज़ गाइज मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं ऐसे मूड में आ गए हैं, इनको ऐसा ही लगता है कि समवेयर व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पे डाउट करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मुझे फील होता है कि इनको डाउट होता है कि आपका मे बी किसी और के साथ में कुछ अट्रैक्शन या कुछ कनेक्शन चल रहा है। ऐसे ही यहाँ पे व्यूवर्स मुझे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं जैसे कि एक तरह से एक ऐसा फील करते हैं कि आप इनके हाथों से निकल रहे हो, है ना। ये व्यूवर्स एक अलग ही रीडिंग मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रही है। मे बी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये रीडिंग ऐसी रहेगी कि ये मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन का जो एक तरह का पैटर्न रहा है ना, वो यही रहा है कि उनको सिर्फ अधिकार चाहिए आपके ऊपर, तो सिर्फ अपना चाहिए, आप ना तो किसी और से बातें करें, ना ही किसी और से रिलेशनशिप रखें, या फिर किसी और के साथ में फ़ोन पे भी मे बी बिज़ी ना रहे, एक तरह का जैसे कि पजेसिवनेस, यार ये पर्सन अगर बिज़ी भी है फ़ोन पर तो कितना क्यों बिज़ी है, कहाँ बिज़ी है, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। ये रीडिंग व्यूवर्स वाइस वर्सा भी हो सकती है, पहले ही बता दूं ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि आपके पर्सन व्यूवर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि फॉलो बहुत करते हैं, बहुत आपका पीछा करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया फॉलोइंग हो या फिर वैसे हो, वो जुड़ना चाहते हैं हर वक्त आपके साथ में, उनका मन नहीं मानता बिना आपको देखे आपसे बात करे, वो चाहते हैं कि आप उनसे हर बार बात करें, हर बार उनसे कनेक्टेड रहें।
तो ये गाइस मैं आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि वो जुड़ाव हमेशा अपना आपके साथ में रखना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे प्यार की एनर्जी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही निकल के आई है, जो यही दिखाती है अगर आप मुझे यहाँ पे देखेंगे। ओके, कार्ड्स भी यही दिखाते हैं कि इस कनेक्शन में अगर देखा जाए तो एक तरह से अट्रैक्शन बहुत है, बहुत बहुत लव है, रोमांस है, एक तरह की फीलिंग है जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है। अगर आप व्यूवर्स यहाँ पे मुझे जो फीलिंग यहाँ पे दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं ना कहीं होने लगी हैं, आपके पर्सन को आपके ऊपर मे बी डाउट सा होने लगा है, वो ये व्यूवर्स नज़र आ रहा है कि मे बी हो सकता है आपका किसी के साथ में सेक्सुअल कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, आप किसी के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर किसी और के साथ में आपका जो मन है वो भटकने लगा है और आप उनके साथ में अब नहीं रहना चाहते। तो वो व्यूवर्स अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इनसिक्योरिटी उनके अंदर बढ़ने लगी है। उनको हर बार यही फील होता है कि नहीं, ये पर्सन मुझे मे बी मेरी मेरी पीठ के पीछे कुछ ऐसा कर रहा है, ये मुझे ये मैंने इसको मतलब जितना मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, ये उतना ही मुझसे दूरियाँ बना रहा है ये पर्सन। तो ये गाइज मैं आपके आपके पर्सन को यही देख पा रही हूँ कि वो आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करने लगे हैं इन दिनों, पीछा बहुत हो रहा है आपका, और जितना ज़्यादा वो इनके मन में ये डाउट आ रहा है उतना ज़्यादा वो टेंशन में आ रहे हैं, नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं लोग इनको, ये मुझे लग रहा है व्यूवर्स कि यहाँ पे जैसे कि फील होता है कि आपके पर्सन आपकी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं मे बी किसी और के साथ में, कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा, कहीं वैसा तो नहीं कर रहा, तुम्हें पता है, वो पता है आजकल मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे उसके ऊपर डाउट हो रहा है, वो मुझे चीट कर रहा है, वो मुझे धोखा दे रहा है, वो मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करता या नहीं करती, अब उसका बिहेवियर पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया वो पर्सन, अब तो मेरी उसे छोटी छोटी दुखी मेरी मतलब मेरी बातें भी उसे अच्छी नहीं लगती हैं, उसे मेरी बातें बुरी लगने लगी हैं। तो ये गाइज मुझे आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो हर वक्त ऐसा ही लगता है उनको कि आप उन्हें छोड़ दोगे, डर सताता है आपके पर्सन को कि छोड़ दोगे तो उनका क्या होगा, या फिर वो कैसे रह पाएंगे आपके बिना। ऐसे ही गाइज यहाँ पे इंटेंशन मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं मन की शांति ढूंढने की कोशिश करें जो उनको नहीं मिल रही है। उनको आपसे व्यूवर्स बहुत अट्रैक्शन है, बहुत बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, बस वो कहते हैं ना आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो व्यूवर्स यही यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बस किसी तरह से आपका जो कहते हैं ना पूरा हक है, आप उनको अपने हक की चाबी उनके सिर्फ हाथों में दे दो और उनको बस ये फील फ्री हो जाए, ठीक है। मे बी अगर हम बात करें व्यूवर्स, अगर हम ये रिलेशनशिप की जो मुझे यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रही है, वो ये दिखाती है व्यूवर्स कि वो ये चाहते हैं कि आप हर चीज़ उनके सामने ओपन अप रखें, हर चीज़ कभी भी इनसे कुछ ना छुपाएं, मे बी अपना फ़ोन तक, मतलब इस तरह से व्यूवर्स कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे व्यूवर्स मुझे फील हो रहा है कि ये आपको व्यूवर्स अपनी तरफ अट्रैक्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको अट्रैक्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके ऊपर पुरानी वाली पास्ट की जो मेमोरीज है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप की डीप कनेक्शन की, एक दूसरे के साथ में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा से अकेले थे या फिर एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो ये उन्हीं एनर्जी को उसी एनर्जी को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, उसी को मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ में। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका मन नहीं करता उनके साथ में उस तरह से रिलेशनशिप रखने का जैसे आप पहले रखते थे, ठीक है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो अपने पर्सन में क्योंकि इनका इनका बिहेवियर बदल गया है, ये खुद बदल गए हैं, इनका इनका फेस भी चेंज होने लगा व्यूवर्स, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो इनके चेहरे पर जो मासूमियत थी व्यूवर्स, वो अब मासूमियत नहीं रही है, वो बदल रही है, अभी अग्रेसिव ज़्यादा रहते हैं आपके पर्सन, ठीक है, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि इन्होंने इनको व्यूअर्स चाहिए बहुत कुछ आपसे, लेकिन वो उनको उनको उस तरह से नहीं मिल पाता है, या फिर इसको सिर्फ ये अपने होल्ड में रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको, आपकी हर एक चीज़ को, आपके प्यार को ये सिर्फ अपना अधिकार मानते हैं, है ना। ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना अपने अपना विज़न, अपना जो फोकस है वो सिर्फ कुछ लोगों ने अपने काम पे ही दे दिया है, सिर्फ काम ही आपकी पहली पहली कहते हैं पहली इंटेंशन हो चुकी है, फर्स्ट प्रायोरिटी हो चुकी है, और आप उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हो और अपने पर्सन पे बिल्कुल आपका फोकस नहीं है। है कुछ ऐसा
कि आपको मतलब लगता है कि यार पहले सिर्फ काम निपटा लो और बाकी काम बाद में देखा जाएगा, काम पहले बाकी सब बाद में। तो समझो व्यूवर्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं क्या, वो चाहते हैं आपका समय, आपका प्यार, और पहले जैसा प्यार, जैसे कि ये जब आप मिले थे एक दूसरे के साथ में तो उनको वही चाहिए। इनकी प्रायोरिटी अभी भी वही है जो पहले थी, आप इन चीज़ों को देख सकते हो यहाँ पे, है ना, वो व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। चेंजेस, कुछ बदलने चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं व्यूवर्स अपनी लाइफ में, ताकि नज़दीकियाँ बढ़ें, है ना, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। वही है व्यूवर्स, इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप ना व्यूवर्स मतलब इनसे कुछ भी शेयर क्यों नहीं करते हो, क्यों इनकी लाइफ में व्यूवर्स ये बहुत ज़्यादा ड्यूअलिटी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनको ऐसा हमेशा ऐसा लगता है, कभी तो उनको पॉजिटिव फील होता है, कभी नेगेटिव फील होता है, फिर कभी इनको लगता है कि पता नहीं क्या हाइड कर रखा है आपने इनसे, क्यों आप इनसे बात नहीं करते, शेयर नहीं करते हो, क्यों इनसे कनेक्ट नहीं होते हो, ठीक है। और मतलब आप अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहते हो, और इनकी लाइफ में व्यूवर्स वही ब्लैक एंड वाइट वाली लाइफ हो गई है। तो ये व्यूवर्स अपनी लाइफ में चाहते हैं कि बस इनको मतलब एक एक तरह से मतलब कहते हैं ना, इतने टाइम इन्होंने आपके साथ में गुजारा है तो उसका इनको रिजल्ट मिले। बेबी फेस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ लोग आपसे मतलब एक्सपेक्ट है, बेबी बेबी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या फिर कुछ अलग ही मतलब कहते हैं ना, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। अब आगे वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अब जैसे कि हमारा अब इतना पुराना हो चुका है, चलो इसको बदलते हैं, इसको चेंज करते हैं, कुछ नया इनिशिएट करते हैं इसमें, लेकिन पुरानी प्रायोरिटी के साथ में। एक तरह से टर्न तो हम देंगे, चेंजेस तो हम लाएंगे इस कनेक्शन में, लेकिन एक खूबसूरती के साथ में। तो ये व्यूवर्स आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे इंटेंशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये व्यूवर्स कलर्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, बोरिंग से लाइफ नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी गाइज मुझे आज आपके पर्सन की नज़र आ रही है, फिर से वही वही घूमना फिरना, लव रोमांस वगैरह, अपनी बातें एक दूसरे के साथ में शेयर करना, वही सब चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनकी लाइफ में मिसिंग है। ओके तो व्यूवर्स, ये आपके पर्सन की मुझे कुछ यहाँ पे एनर्जी फील हुई है, जो आपके लिए आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन को यहाँ पे दिखाती है। चलिए दो तीन मैसेज और लेती हूँ। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ हेल्प अस। मेरे व्यूवर्स के लिए इनके क्या मैसेज हैं, इनके पर्सन के। ओके भैया, देखो कितना सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, सही है। प्लानिंग बहुत बनाते हैं आपके पर्सन कि ये कर लूँगी, वो कर लूँगा, ऐसे होगा, ऐसे चेंजेस लेके आएंगे, ये करेंगे। मे बी व्यूवर्स आपके बीच में ना कुछ टाइम का भी हो रहा है, कुछ टाइम, कुछ मोमेंट ऐसे चल रहे हैं आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेलनकोली की एलर्जी है व्यूवर्स यहाँ पे, वही सैडनेस वाली है, अकेलापन इनके आपके पर्सन को व्यूवर्स खा रहा है, और आपके ऊपर वॉच बहुत रख रहे हैं आपके पर्सन, वॉचिंग है व्यूवर्स, ठीक है। तो ये एनर्जी का हिसाब जो आपके पर्सन की निकल के आई है कि ये फाइट कर रहे हैं व्यूवर्स इस कनेक्शन को लेके, इनको ऐसे ही लग रहा है कि आप इनके हाथों से निकल रहे हो। ये व्यूवर्स देखो यहाँ पे जो रीडिंग आई है, मे भी हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे, लेकिन इंटेंशन तो आपके पर्सन की यही निकाय दिखाई दे रही है कि इनकी लाइफ में जो कमी है ना, बस वो उस कमी को अब आपके साथ में पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत डीप कनेक्शन चाहते हैं पहले की तरह, इंटेंसली, या फिर कह सकते हैं मतलब ये कहते हैं ना यंग ब्लड वाली एनर्जी गाइस, वो यहाँ पर आपके पर्सन फील करते हुए, मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये रीडिंग है व्यूवर्स आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।